हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो SBI ने 2020 अभी अभी जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है उसके बारे में। SBI ने 8000 प्लस वैकेंसी रिलीज़ की है जूनियर एसोसिएट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों इसमें अप्लाई करने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, वो पहले ही बताया मैंने 8000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से 2020 में। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होने वाला है, तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 26 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो इस बीच में आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, नोटिफिकेशन में आपको स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है वो आपको बताया गया है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर से आप अच्छे से देख लीजिएगा वैकेंसी डिटेल, कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट ज़रूर होने वाला है। तो आप जिस भी स्टेट से भर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे आपका मेंशन भी है कौन से स्टेट का कौन सा लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एज लिमिट आपकी 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। यदि आप SC ST OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हो या फिर कोई भी एक सर्विसमैन हो तो इससे आप बिलोंग करते हो, तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे है पूरे नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर दो फेज़ में होते हैं, फर्स्ट होते हैं एंड सेकंड होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे एंड सेकंड जो होगा वो मेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगे एंड थर्ड होगा रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, ड्यूरेशन आपको कितना दिया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो वीडियो को मतलब आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस आते हैं, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूँ 190, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं 2 आवर्स 40 मिनट। यहाँ पे आगे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कॉलेटर मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब हो गए, तो अप्रॉक्स यहाँ पे फेब्रुवरी दिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल या फिर उसके ऑनवर्ड्स आपको टेंटेटिवली दे दिया गया है यहाँ पे। आगे बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो पे स्केल आपकी क्या बनती है ये भी आपको जानने की इच्छा होगी। तो पे स्केल आपको यहाँ पे बेसिक पे बताया गया है 13,075 रुपीज़ आपको बेसिक पे बनती है। उसके बाद बहुत सारे अलावेंस यहाँ पे जुड़ते हैं और यहाँ पे आपको बता दिया है 26,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग मतलब DA अलावेंस, बहुत सारे अलावेंस आपको दी जाती है दोस्तों। तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन जो हैं एक्स जो हैं वो उसके लिए नहीं है फ़ीस, और जनरल OBC या फिर EWS हैं उनके लिए फ़ीस है 750 रुपीज़ है। तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। इसमें यदि आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो आप ज़रूर से देखिएगा, अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ से आप जाके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं SBI क्लर्क में तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, अगली वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।